अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज तो मैं मामा के साथ पार्क गई थी। मेरी छोटी सिस्टर और मैं और कज़न्स भी गए थे। वैसे तो ये मामा के साथ मैं ही रही हूँ यहाँ व्लॉग में। मुझे क्योंकि पार्क बहुत पसंद है और मैं ये 3 साल बाद गई हूँ इस पार्क में। मेरी इस पार्क के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो झूला है सामने वाला, ये मेरा फेवरेट रहा है। अभी मैं इस झूले को आपको दिखाऊंगी भी सही कि मैं ले रही हूँ इस झूले को। और मुझे पार्क की बहुत याद आ रही थी। मामा को मनाया तो मामा ने बोला कि चलो चलते हैं हम लोग सब। अब ये छोटियों को देखें, दोनों घूम रही हैं साथ में। हानी है और फाकिया है। चलें फिर। मामा ने कहा कि तुम्हारी फेवरेट स्पेस पे तो लेके जाऊंगी, लेकिन वॉइस ओवर आप करोगी आज। तो मैंने सोच लिया कि वॉइस ओवर तो मैंने ही करना है, तो मैं जो मर्ज़ी बोलूँ इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद ही आएगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। बहुत प्यारा लग रहा था मंज़र, और शाम का मंज़र और मौसम हसीन था बहुत ज़्यादा। और ये लोग भी घूम रहे थे, और बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से फूल खिल रहे थे बहुत ज़्यादा। मैंने मामा को कहा कि मामा आप यहाँ पर खड़ी हों, मैं आपकी पिक्चर्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, ताकि आप मतलब और ज़्यादा हसीन लग सकें इन खूबसूरत फूलों के साथ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ये मामा फिर आपको दिखा रही हैं कि ये देखें, जैसे कि बागा, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि अम्मी फ्लावर्स के साथ तस्वीरें वगैरह बना रही थी, और यहाँ पर मैं भी खड़ी हुई हूँ। और ये मैं प्यारे प्यारी चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ। इतनी खूबसूरत स्पेस है यार, मुझे इस जगह ना बहुत पसंद है। और ये अब आसमान और ये जो सामने चीज़ें हैं सारी, ये सारी बहुत खूबसूरत हैं। क्योंकि मेरे लिए ये सब कुछ इसलिए भी बहुत प्यारा लग रहा है मुझे कि मैं 3 साल बाद गई हूँ। और उसके बाद फिर ये मामा और मैं वॉक करते हुए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ बिल्कुल मैं मज़े से हूँ, बच्चों को घुमाने फिराने आई हूँ। और आज मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा था कि आज जो है ना, मैंने डिटेल में जो है वीडियो भी बनवानी है, और उसके अलावा मैंने तारुफ भी करवाना है। मैंने कहा चलें आज की वॉइस ओवर आपने करनी है। तो शुरू में भी उसकी वॉइस ओवर थी, और बस मैं थोड़ा सा ये है कि मैंने कहा दिखा दूँ आपको, आप लोगों को बता दूँ कि बच्चों को घुमाने आई हुई हूँ। यहाँ पर काफ़ी मौज मस्ती के साथ बच्चे घूम फिर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ ये देखें, बच्चे खूब घूम फिर रहे हैं और झूले वगैरह ले रहे हैं। ये देखो, जैसे ये बच्चे ले रहे हैं, आराम से पकड़ के हादी। कैसी हैं आप। आज हम पार्क आए हुए हैं, और मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ, भतीजों को लेके आई हूँ, और बच्चों को इनको घुमाना फिराना भी है, और उसके अलावा जो है ना खुद भी थोड़ा सा पार्क में आपको दिखाना है। तो मेरे साथ आज घूमें फिरें, इंजॉय करें। मैं भी यहाँ बोलना पसंद करूँगी, पार्क प्लेस बहुत पसंद है, जैसा कि मेरी फेवरेट प्लेस है। पर मैं बड़ी हो चुकी हूँ मैं कोई झूला नहीं ले रही, अपने मामा के साथ ही मतलब विजिट कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा बचपन का पार्क, बाकी अभी भी छोटी हूँ, पर बस वक्त के साथ इंसान को मैच्योर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये हमारे कीड़े मकोड़े, सारे बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, बच्चा पार्टी। ये मैं आपको वाजे दिखा दूँ, ये अभिया है और एक और शैतान जा रहा है। हादी आराम से, हादी आराम से, छोटा लग जाए आपको, आराम आराम से चढ़े, ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ना। आराम से। ये हमारी घोड़ियां भी जा रही हैं चढ़ने के लिए आराम से जाना है ऊपर, ये सबसे बड़ी घोड़ी भी ऊपर चढ़ रही है। Thank you.
बनने होंगे मैम। हाथ हिला दो बच्चों। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बच्चों को इतना ऊपर चढ़ते हुए देख के। आज आसमान बहुत प्यारा है। ये देखो बच्चे लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या हो रहा है? खेल रहे हैं ये बच्चे बहुत ज्यादा। चले आप गाइस, हम आपको सेकंड साइड लेके जाते हैं जहाँ पे हमारा फेवरेट झूला है। कहाँ जाने चाहो? ये अब मैं मामा को अपने फेवरेट झूले की तरफ लेके जा रही थी। मैंने मामा को इशारा किया कि मामा हम इस साइड पे चलते हैं, यहाँ मेरा झूला है जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था इंट्रो होते ही पार्क के शुरू में जो था। और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे ना। और मैं फ़ोन से भाग भाग के चल रही हूँ, मेरी कोशिश है कि सबसे पहले जाके मैं ही झूला ले लूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था जिसकी वजह से मुझे खड़ा होना पड़ा काफ़ी देर। उसके बाद मैंने अपना फेवरेट झूला ले ही लिया आखिरकार, लेकिन लिया थोड़ी देर, लेकिन बहुत मज़ा आया पार्क में, हमने बहुत इन्जॉय किया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत फैमिलीज थी, सिर्फ हम नहीं थे, और वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब मैं बच्चों को दिखा रही हूँ यहाँ पे, मतलब कैमरा तो वैसे मामा ने मतलब पकड़ा हुआ था। हम वॉक भी कर रहे थे मैं और मामा, और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम झूले के पास थे और ये और भी फैमिलीज़ थी हमारे साथ। वो फैमिली रोक रही थी कि अब उनको भी बारी मिले, क्योंकि अब कोई भी यहाँ पे रहने के लिए तो नहीं आता ना, सबको चाहिए होता झूला थोड़ा थोड़ा, मतलब टाइम हर किसी को चाहिए होता है झूले के लिए। फिर उसके बाद कज़न्स बैठना शुरू हुई, हम लोग मतलब काफ़ी सारे गए थे और मोहल्ले के लोगों को भी लेके गए थे हम लोग। और इसके अलावा हमने बहुत इन्जॉय किया। अब जाने का टाइम आ चुका था तो मामा ने कहा कि आप लोगों को कुछ लेके देती हूँ, आप लोग क्या खाओगे? तो फिर मैंने मामा को कहा कि मामा मुझे तो रोल वगैरह पसंद है, क्योंकि मैं मतलब फ़ास्ट फूड की बहुत शौकीन हूँ, बल्कि मैं क्या मेरी सिस्टर सब, और मामा को ये चीज़ें नहीं पसंद वैसे तो। और हम यहाँ झूले खा रहे थे तो मामा ने कहा कि बेटा चलें बस करें, आप फिनिश करें और आप चलें, अब हमने जाना भी है और आपको कुछ खिलाना भी है। और मगरिब का टाइम हो चुका था, नमाज़ भी पढ़नी थी हम लोगों को। तो फिर मैंने मामा को बोला कि मामा जी जी बिल्कुल, अब लास्ट हम ले लें थोड़े से, उसके बाद फिर हम चलते हैं। सबने कम्प्लीट हो चुके थे, हम अब हम कुछ खाएँगे, उसके बाद फिर घर के लिए रवाना हो जाएँगे। अच्छा जी, यहाँ पे करते हैं हम लोग वीडियो का एंड। और बच्चों को मैं इकट्ठा कर रही थी कि वापसी पे जो है ना अजान का टाइम हो गया था, और यहाँ पे बिल्कुल जो है ना मगरिब की टाइम के पर जो है ना बच्चे इधर उधर हो रहे थे, लेकिन मुझे नमाज़ पढ़नी थी और मैंने कहा कि अब वापस चलें, घर के पास ही है वैसे तो, लेकिन नमाज क्योंकि फैमिली काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पर, और अच्छी तरह घूम फिर रही थी और मुश्किल से इकट्ठे हुई हैं यहाँ पर। आज मेरी बेटी ने काफ़ी ज़्यादा वॉइस ओवर प्यारी की है और अपना माशाल्लाह तारुफ भी करवाया है। तो आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, तो उम्मीद याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। नए जो देखने वाले हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करें। आपके कमेंट्स से ही हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल देखें एंड हो चुका था और बच्चों को कुछ मैंने चीज़ें लेके दी थी, और एक बाबा बैठा हुआ था जो कि बच्चों ने खिलौने वगैरह यहाँ फरमाइश की, और यहाँ पे मैं उनको बालून लेके दे रही हूँ। और ये देखें मैं बच्चे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ बेचारा बना रहा है,
तो ये भी मैंने उसको दिखाया है कि भी कितनी मेहनत वाले लोग आते हैं यहाँ पे, बाहर पापड़ वगैरह और हर चीज़ बेचने वाले थे और अंदर ये बाबा बेचारा बैठा हुआ था। काफ़ी मेहनत के साथ इसने बलून वगैरह बनाए हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ आपकी बहुत सारी दुआओं के साथ ही। अल्लाह हाफिज़। मैंने आप लोगों को बताया था कि मामा ने हमें गोले वगैरह दिलाए थे, और चलें ठीक है, इसके साथ बहुत ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा यूट्यूब फैमिली। अल्लाह हाफिज़।